नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 24 इंडिया न्यूज में। मैं रितिका आपके साथ लेकर खेल की दुनिया से संबंधित कुछ खास। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होने वाले वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। विंडीज दौरे के लिए टीम का ऐलान बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की चयन समिति ने गुरुवार। वनडे मैचेस सीरीज की घोषित टीम में रोहित शर्मा का नाम नहीं है। इसके साथ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी आराम दिया गया है। उनकी जगह पर कुलदीप यादव को टीम में नई जगह मिली है। इसके साथ ही युवा बल्लेबाज श्रमत पंत को टीम में नई जगह मिली है। कोचिंग स्टाफ की बात की जाए तो टीम के कोचिंग स्टाफ में कोई बदलाव नहीं आया है। मुख्य कोच अनिल कुंबले भारतीय टीम के मुख्य कोच ही बने रहेंगे। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उनका करार खत्म हो चुका है, लेकिन नए कोच की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी ना होने के कारण उनके कार्यकाल का विस्तार कर दिया गया है और वेस्टइंडीज दौरे के दौरान अनिल कुंबले ही भारतीय टीम के कोच बने रहेंगे। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तुरंत वेस्टइंडीज के लिए रवाना होगी। इस दौरे में वह 5 एक दिवसीय मैच खेलेगी। वनडे सीरीज मैच की शुरुआत 23 जून को होगी जो कि 6 जुलाई तक चलेंगे। सिंगल T20 मैच 9 जुलाई को खेला जाएगा। आपको बता दें कि इस टीम के कप्तान विराट कोहली ही रहेंगे। इसके अलावा इस टीम में महेंद्र सिंह धोनी, शिखर धवन, शिवम पंत, अजिंक्य रहाणे, युवराज सिंह, केदार जाधव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र चंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार और दिनेश कार्तिक रहेंगे। पंजाब, देश विदेश, राजनीतिक, धर्म, मनोरंजन और खेल से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा 24 इंडिया न्यूज यूट्यूब चैनल। इसके साथ ही आप हमारा फेसबुक पेज 24 इंडिया न्यूज भी लाइक करें। फिर हाजिर होंगी लेकर कुछ खास आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।